तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं सपना। अर्जुन अवार्डी संदीप मान एशियन पैरा ओलंपिक्स गेम्स में तीसरी बार ब्रॉन्ज मेडल लेकर जब हनुमानगढ़ लौटे तो शहरवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री सहित कलेक्टर भी संदीप मान के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस पूरी खबर पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक की सुर्खियां। एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स में संदीप मान को तीसरा ब्रॉन्ज मेडल, शहरवासियों द्वारा जोरदार स्वागत। शहर पहुंचने पर स्काई चैनल से खास बातचीत में बोले संदीप, कहा टोक्यो 2020 पर है फोकस। जिले में वोटों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश, स्वीप के शुभंकर व गीत का विमोचन। और दादी ने ही की अपनी 4 साल की पोती की हत्या, पूछताछ के दौरान स्वीकार की डुबोकर मारने की बात। खबरें विस्तार से। एशियन पैरा ओलंपिक्स गेम्स में संदीप मान ने तीसरा ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके न सिर्फ अपना बल्कि देश सहित जिले का नाम भी रोशन किया है। बता दें कि पैरा एथलीट खिलाड़ी संदीप सिंह मान ने एशियन पैरा गेम्स 2018 में 400 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जिसके बाद वीरवार को शहर पहुंचने पर संदीप का जोरदार स्वागत किया गया, जहाँ सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन, सभापति राजकुमार सहसारिया सहित तमाम शहरवासी मौजूद थे। इसकी लगन है, लगन से कारण इसने अपने जिले हनुमानगढ़ को रोशन किया, राजस्थान को, भारत को गौरवान्वित किया। हम सब ये आशा करते हैं कि 2020 में ये अपना जो लक्ष्य रखा है उसमें सफल हो। जय भारत। अर्जुन अवार्डी संदीप मान भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार पहला एशियन गेम्स में मेडल जीता है। हनुमानगढ़ पहुंचने पर संदीप मान ने स्काई चैनल से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी जीत की खुशी जाहिर की और साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए स्वागत और खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ द्वारा किए गए स्वागत और सम्मान के लिए खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हनुमानगढ़ में भी खेलों का स्कोप है, बस थोड़ी सी लगन चाहिए, रास्ते आसान हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने लक्ष्य टोक्यो 2020 पर भी फोकस करने की बात कही। आइए सुनते हैं संदीप मान। कंटिन्यू नेरो तीसरे एशियन गेम में मेडल जीता है। इससे पहले 2010 एशियन गेम में मेरा सिल्वर मेडल था 400 मीटर में। 14 एशियाई खेलों में मेरे 2 सिल्वर मेडल थे और इस बार मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बिल्कुल सर, कल नरेंद्र मोदी जी ने हमें सम्मानित किया, हमें एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने का हौसला दिया, और साथ में राज्यवर्धन राठौड़ सर ने हमें कैश अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि आज तक का सबसे फास्ट, उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि टीम ने अभी इंडिया में कदम रखा और अगले ही दिन हमें कैश अवार्ड दिया गया। जी जी, तो खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? खिलाड़ियों को मेरा यही संदेश है कि आज के टाइम बहुत सहूलतें हैं, बहुत स्कीमें चलाई हैं गवर्नमेंट ने और मोदी जी की खेलो इंडिया की मुहिम चली है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से जुड़ें, नशों से दूर रहें, यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल भविष्य है, यदि हम थोड़ा हटना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे इतनी ज़्यादा नहीं आई है, पॉलिसीज नहीं आई है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा हटकर अगर हम खुद मेहनत करें तो बिल्कुल भविष्य है। तो मेरी तैयारी 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की है और मेरा मेन टारगेट वही है। तो संदीप मान के स्वागत करने वालों में सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन सहित सभापति राजकुमार हिसारिया भी मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि संदीप ने न सिर्फ शहर का नाम रोशन किया है बल्कि उन्हें भी इस बात को लेकर खुशी मिलती है कि वो ऐसे शहर से हैं जहां एक खिलाड़ी देश का ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपनी सफलताओं के झंडे गाड़ रहा है। ये एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स में भाई संदीप सिंह मान ने तीसरी दफ़ा ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बधाई इसको दें या इलाके के लोगों को, ये मेरी समझ से परे की बात है, क्योंकि ये पूरे इलाके के लिए बड़ी फख्र की बात है।
इसने हमारा सीना चौड़ा किया और तमाम नौजवानों के लिए एक मैसेज भी दिया है कि आदमी कर गुजरने की दिमाग में रखे तो मंजिल दूर नहीं है। मैं मेरी ओर से और इलाकावासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई संदीप सिंह मान को, पूरे परिवार को, क्योंकि परिवार वाले लोगों ने भी इसको उत्साहित किया, सहयोग किया, बहुत बड़ी उपलब्धि है इलाके की। धन्यवाद। पैरा ओलंपिक पैरा एशियन गेम्स के विजेता हैं, उनके सम्मान के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। निश्चित रूप से श्री संदीप मान जी ने हमारा मान बढ़ाया, उन्होंने अपना मान तो बढ़ाया पर उसके साथ साथ पूरे हनुमानगढ़ का और राजस्थान का मान बढ़ाया। उसके लिए वो तो बधाई के पात्र हैं पर उनको हमारे बीच में पाके हम सब भी अपने आप को बधाई देना चाहते हैं कि हमने ऐसा सपूत हमारे बीच में पैदा किया जिन्होंने लक्ष्य के लिए काम किया और दृढ़ विश्वास रखा। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जो भी युवा साथी हैं इसी तरह लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दृढ़ विश्वास के साथ अपना काम करेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। मेरी ओर से एक बार पुनः संदीप मान जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। संदीप मान स्वागत के बाद गुरुद्वारे पहुंचे जहां उन्होंने माथा टेक कर गुरु का शुक्राना अदा किया। बता दें कि यहां पंजाबी महासभा के अध्यक्ष सादा सिंह खोसा ने संदीप मान का स्वागत किया और कहा कि ऐसे खिलाड़ियों की हम हमेशा कद्र करते हैं जो देश का गौरव है। साथ ही संदीप के कोच आर डी सिंह ने कहा कि अगर संदीप के अंदर यही लगन रही तो निश्चित ही वो टोक्यो 2020 ओलंपिक अपने नाम करेंगे। और अब जो पैरा ओलंपिक की तैयारी के लिए आगे बढ़ रहा है, ये इंडोनेशिया जकार्ता में जो अभी टूर्नामेंट हुए थे उसमें इसने सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है और हमारा ये गौरव का विषय है हनुमानगढ़ के लिए और हमारे अवतार सिंह जी मान साहब और हमारी पंजाबी सभा की तरफ से ही ये पूरा स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। सारे पदाधिकारीगण मलकीत सिंह जी मान, जगराज सिंह जी, अवतार सिंह जी मान सारे ये मिलके और ये बच्चे को बहुत बहुत बधाई। आज जो इस लड़के ने टाइम दिया है तो इंडिया का पहला लड़का है जिसने इतना बढ़िया टाइम दिया है जी, और ओलंपिक में इसका जो मेडल है इसी प्रकार अगर फिट रहेगा तो वहाँ भी इसका मेडल निश्चित लगेगा, ये मैं कह सकता हूँ बड़े दावे से। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वीरवार को जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र जैन ने स्वीप के तहत अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जिले के पक्षी स्वीप शुभंकर वोटू और लोकगीत के जरिए मतदाता जागरूकता संदेश दिया। कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन, सीओ नवनीत कुमार और एडीएम प्रभाती लाल जाट आदि ने वोटू और लोकगीत बूथ पे चलो ढोला जी का विमोचन किया। जिले में वोटू के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करके इसमें हिस्सा ले सकें। निर्वाचन आयोग ने सुगम मतदान की थीम दी है, उसी संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग अधिक से अधिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़ाएं और अधिक से अधिक लोग 7 दिसंबर को मतदान करने आएं। उसी संदर्भ में इसे और ज़्यादा लोकप्रिय बनाने में और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करने में आज हमने शुभंकर का, जो हनुमानगढ़ जिले के लिए शुभंकर है, उसका आज विमोचन किया ताकि लोगों को इस माध्यम से हम समाचार पहुँचा सकें, लोगों को इस बात में जागरूक कर सकें कि लोग जो है 7 दिसंबर को मतदान करने आएँ। इसी तरह जन जागृति के लिए आज एक स्थानीय हमने लोकगीत का भी हमने विमोचन किया है जिससे अधिक से अधिक लोग मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी कर सकें और मतदान कर सकें। और बुलेटिन में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है लेकिन ब्रेक के उस पार हम देखेंगे कि 4 साल की बच्ची के हत्यारा कौन निकला, साथ ही देखेंगे दशहरे की तैयारियां किस तरह से चल रही है, साथ ही नजर डालेंगे दुर्गा नवमी की।
Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, Punjabi. महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान पाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। चांदनी का शव घर में बने कुंड में मिलने से के मामले में गुरुवार को ममता को शर्मसार करने वाला इस मामला सामने आया था, जिसमें पूछताछ होने पर बताया जा रहा है कि मासूम को उसी की ही दादी ने मौत के घाट उतार दिया। घटना टाउन के वार्ड नंबर 28 मीरा कॉलोनी की है, जहां कल यानी बुधवार को 4 साल की मासूम बच्ची चांदनी पानी की टंकी में मृत पाई गई। मामले में जांच होते हुए पाया जा रहा है कि बच्ची को उसकी ही दादी ने मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि उसकी दादी ने हत्या को स्वाभाविक मौत में बदलने के लिए बालिका को खेलते खेलते कुंड में डूबने की झूठी साजिश रची, लेकिन मोहल्ले वासियों ने बालिका को कुंड में डुबोकर मारने का शक चांदनी के परिजनों पर ही जता रहे हैं। मिसेज ने बाहर के देखा कि वो बच्ची उसमें तो मतलब ऊपर पानी के ऊपर तैर रही है, मुद्दी तैर रही है। फिर जाके मैंने वो भागी भागी मेरे पास वापस आई कि वो बच्ची तो उसको दिग में पड़ी, आप देखो। तब मैं भाग के गया, उसको बच्ची को निकाला, देखा मैंने तो मुद्दी पड़ी थी, तैर मतलब मरी हुई थी। तो मैंने तुरंत तो उसका कपड़ा पकड़ा, एक बाहर निकाला, निकालते मैंने देखा तो उसकी आँखें निकली हुई थी और जीभ निकली हुई थी। तो फिर मैंने कहा भाई इसको लगता है भी थोड़ी सांसें होगी, उसको मैंने मुद्दा लेटा के थोड़ा दबाया, पीछे हो जाए, मुँह में से पानी निकला लेकिन सांसें नहीं थी बच्ची में। पहले वाली जो बहू है उसको भी इन्होंने पहले कुट्टामारी की, बारिश झाड़ू से मतलब आँख निकाल दी थी। उसके बाद जाके बिहार के अंदर सुनने में जो आया है कि उसको वहाँ पे जाके फांसी देके मार दिया गया है। उसके बाद ये सौतेली माँ और उसकी दादी, इन दोनों ने मिलकर इस जो कार्य घटना हुई है उस घटना को अंजाम दिया है। पूरे मोहल्ले वाले इस बात से स्तब्ध हैं। तो आप थाने में घेराव क्यों किया? थाने में घेराव जब हमने गिरफ्तार करवाया उनको, उसके बावजूद इन्होंने छोड़ा क्यों? इसका कोई फैसला नहीं हुआ था अब इस टाइम तक, जब भी ये गुनाहगार है या नहीं है तो फिर इसको छोड़ कैसे दिया गया? वो ये कहते हैं अभी एक आदमी पेश हो, जब पूरा मोहल्ला पेश हो जाता है तो एक आदमी कहाँ रह जाता है? कोई एक भी आदमी अगर कहता है ना इनके पक्ष में, एक भी आदमी बोलता है तो हम उसके साथ मान लेंगे। वीरवार को पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जाखड़ व थाना प्रभारी विष्णुदत्त विश्नोई ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने आरोपिता को राउंड अप करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वार्ड नंबर 28 हनुमानगढ़ टाउन में कल एक बच्ची के घर की डिग्गी में डूबने की घटना हुई थी, जिसके दादा सरफी शाह की तरफ से 174 CRPC में दर्ज करके मर्ग दर्ज करके जांच शुरू की थी, जिसमें जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं कि उसकी बच्ची की दादी अनीता ने बच्ची को कुंड में जान से मारने के लिए डाल दिया। पहले डाल दिया वो जब तो मोहल्ले वालों ने आवाज़ सुनकर उसको बचा लिया, बाद में फिर दूसरी बार उसने डाल के ऊपर ढक्कन लगा दिया। ये सही जांच अधिकारी की तरफ से 302-307 IPC में मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ की जा रही है। कोई गिरफ्तारी की? नहीं, गिरफ्तारी तो अनुसंधान के बाद। हनुमान बेनीवाल की जयपुर में प्रस्तावित 29 अक्टूबर किसान हुंकार रैली की तैयारियों को लेकर वीरवार को जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में मीटिंग रखी गई। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर विवेक माशुरा ने कहा कि बेनीवाल की अगुवाई में गत 5 सालों से सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रदेश में जो जन आंदोलन चलाया जा रहा है उसे अंजाम तक पहुँचाने के लिए 29 अक्टूबर को जयपुर में रैली और तीसरे मोर्चे की घोषणा की जाएगी और 2018 विधानसभा चुनाव में एक नई पार्टी और नए चुनाव चिन्ह के साथ प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो हर व्यवस्था की जगह हनुमान जी आपके स्तर पर गली, किस तरह की रैली हुई,
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਰਿਪਿਓ ਸਾਧਨ ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸਾਰ ਉਪਰ ਪੁੱਗਿਆ ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੁੱਗਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਲੀ ਮਾਂ ਹਰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗੌਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗਿਓ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਓ ਬਾਹਰ ਮੇਂ ਜੋ ਗਿਓ ਉਹ ਬਿਕਾਨੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਬਿਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਮਾਂ ਗਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਗਿਓ ਸਿੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਓ ਤੋ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਬਾਂਧ ਨੇ ਕਿ ਤੋ ਊਰਜਾ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਵੀ ਇਤਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਇਤਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਸ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੁਬਹ 10 ਵਜੇ ਬਾਂਧ ਕੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਰਾਤ ਨੇ 4-4 ਵਜੇ 5-5 ਵਜੇ ਬਾਂਧ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲੇ ਔਰ ਲੋਕ ਕੌਣ ਜੁੜ ਰਹੇ ਬਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਕਾ ਬਾ ਕੌਣ ਛੋਟੋ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਬਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਾ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹਨੁਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟੀਮ ਹਨੁਮਾਨ ਬੇਨੀਵਾਲ ਕਾਰਜਕਰਤਾਓਂ ਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ हमारे युवा भाइयों से मिल रहे हैं। 29 तारीख को जयपुर में किसान हुंकार महारैली का जो आयोजन होने जा रहे हैं उसका हम व्यक्तिगत निमंत्रण देने यहाँ अपने युवा साथियों के बीच में आए हैं। मैं छात्र प्रतिनिधि हूँ, इसलिए मेरे युवा टीम के साथ यहाँ मिलकर मुलाकात करके और जयपुर में होने वाली 29 तारीख की उस रैली के लिए हम सब लोग निमंत्रण देने आए हैं। और हनुमान जी हनुमानगढ़ और गंगानगर हर जिला हेडक्वार्टर पर जा रहे हैं तो वो यहाँ भी आने की अपनी इच्छा जता रहे हैं। तो यहाँ उनके आने से पहले कार्यकर्ताओं से मिलकर एक शानदार आयोजन का प्रोग्राम रखेंगे और 26 तारीख को शायद यहाँ पर हनुमान जी पधारेंगे और बड़ी जनसभा का आयोजन होगा। आज का हमारा कार्यक्रम है 29 अक्टूबर को किस नागौर बाड़मेर सीकर और बीकानेर की ऐतिहासिक किसान हुंकार मां रैली जहाँ पर 5-5, 7-7 लाख किसान युवा का हुजूम भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को आशीर्वाद देने पहुँचा। वो अंतिम चरण की जो लड़ाई है राजस्थान की विधानसभा को 2018 में किसान और युवाओं के गौरव में इतिहास से भरने की जो हुंकार भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल ने भरी है तो गंगानगर और हनुमानगढ़ की जितनी भी विधानसभा सीटें उन विधानसभा सीटों पर भाई साहब के नेतृत्व के अंदर विधानसभा चुनाव इस बार लड़ा जाएगा और किसान मजदूर और युवाओं की आवाज को बुलंद किया जाएगा। जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई के लिए एक निजी कंपनी की ओर से ठेके पर नियुक्त किए गए सुपरवाइजर व सफाई कर्मचारियों का पिछले काफी समय से वेतन बकाया है। वेतन का भुगतान नहीं होने से आक्रोशित सुपरवाइजर व सफाई कर्मियों ने गुरुवार को रेलवे स्टेशन परिसर में कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे काम तो लिया जा रहा है परंतु उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा। हमारे बार बार पैसा न काट के ले रहा है, हम कहे तो हमको धमकी दे रहा है कंपनी से बाहर काटो, पीएफ नंबर भी नहीं, और पीएफ नंबर भी नहीं दे रहा हमें, और हमारी तनख्वाह 7,000 वो भी काट पीट के दे रहा, हर बार वो दिन का पैसा काट रहे हैं। सुपर मैनेजर हर महीने की छुट्टी दे रहे हैं, सुपरवाइजर से कहे वो ना सुने, मैनेजर से कहे वो ना सुने, एचआई से बोले तो नहीं सुने, वो ना सुने एचआई से कहे तो वो नहीं सुन रहा, वो कह रहा जो बोले उन्हें कंपनी से बाहर काटो। हम बड़े परेशान हैं, हम तो परेशान हैं और बार बार कमाने नहीं रहे, जितने हमारे कर्जे सिर पे हो रहा है हम क्या देंगे, बहुत लेट देते हैं सैलरी, इतनी लेट दे रहे हैं सर, हमारा बच्चा भूखा बैठा रहता है घर में। ठीक है, अब हमारे इनको आप हल करवाओ, हमारा क्या लेट आती है, हर महीने लेट आती है और सैलरी कट के आती है, कभी बोले थे ये भर्ती के कट गए, कभी किस चीज के कट गए, कभी किस चीज के कट गए, और हर महीने बोलते हैं आपको दो छुट्टी मंजूर कर दी, बोल तो देते हैं लेकिन हम छुट्टी कर लेते हैं फिर तनख्वाह काट लेते हैं हमारी, और हमारा पीएफ नंबर मांगते हैं, हम हमारे पीएफ नंबर दो, तो कहते हैं इनको हटा दो, और सैलरी स्लिप मांगते हैं इनको हटा दो, यही समस्या है, और हमें 7,000 ही देते हैं वो भी काट के। गांधीनगर में ओवरब्रिज वाटर पास निर्माण स्वीकृत के उपलक्ष में प्रथम नवरात्रि से चल रहे धार्मिक कार्यक्रम का समापन गांधीनगर धर्मशाला में हवन के साथ संपन्न हुआ, जिसमें 151 कन्याओं का पूजन किया गया। इस दौरान विशाल भंडारा भी लगाया गया। जंक्शन के गांधीनगर अंडरपास के लिए नवरात्र की नवमी पर मां दुर्गा की आरती के बाद 151 कन्याओं का पूजन किया गया। इस दौरान विशाल भंडारा भी लगाया गया। हवन यज्ञ समापन के बाद वार्डवासियों द्वारा माता के दरबार में डांडिया नृत्य भी किया गया। कार्यक्रम में सभापति राजकुमार हिसारिया, उपसभापति नगीना बाई, कालूराम शर्मा, राजेश कड़वासरा, भाजेश कड़वासरा, भाजपा नगर महामंत्री विजय कौशिक आदि मौजूद थे।
अंडरपास और फुट ओवर ब्रिज का काम है, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है और ये बाज़ार को और गांधीनगर को एक विकास का द्वार खुला है। आज डॉक्टर राम प्रताप जी सह पत्नी यहाँ हवन में पधारे। हमने 10 तारीख को माता का नवरात्रे के प्रथम नवरात्रे पर यहाँ स्थापना की थी, जिसकी की पूर्ण आहुति। नवमी को घर घर कंजक पूजन किया गया। पूरे दिन कन्या स्वरूप बालिकाओं की मनोहार की गई। जंक्शन और टाउन में अष्टमी को लेकर सुबह की रौनक देखने को मिली। हालांकि सुबह से ही लोग कन्याओं की तलाश में जुटे रहे। वहीं मंदिरों में भी दुर्गा नवमी को लेकर विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नवमी के दिन मान्यता के अनुसार घरों में कंजक पूजन किया जाता है, जिसमें माँ स्वरूप छोटी छोटी 9 कंजकों को जिमाया जाता है, भोजन करवाया जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि हम इतना आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे भी होते जा रहे हैं। बता दें कि नवमी को कंजक पूजने के लिए लोगों को कन्याएं नहीं मिली। टाउन निवासी सुनीता गुप्ता ने कहा कि बेटियों को बचाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए, ताकि ऐसे अवसरों पर बेटियों को ढूंढना न पड़े। का हमारे यहाँ हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा महत्व है। और पहले नवरात्रे में जैसे बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, घटी स्थापना होती है, और राखी नवे नवरात्रे में हम कन्या पूजन करते हैं, कन्या को खाना के 9 कन्या को खाना खिलाते हैं। ये पारंपरिक प्रथा चली आ रही है, लेकिन आजकल कन्याएं मिलना बहुत मुश्किल होता है। हम घर घर में हमें जाना पड़ता है, लेकिन कन्याएं मिलती नहीं है। 9 की जगह हमें कम करनी पड़ती है कन्याएं। भ्रूण हत्या रोकेंगे तभी हमारी प्रथा चलती रहेगी, वरना ये प्रथा खत्म हो जाएगी। वार्ड नंबर 35 मिथिला मंदिर हनुमानगढ़ टाउन में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव में गुरुवार को मां दुर्गा की महाआरती, हवन, यज्ञ व कन्या पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद उपसभापति नगीना बाई ने विधिवत पूजन अर्चना कर मां दुर्गा की आरती की और इसके बाद हवन यज्ञ आयोजन किया। हवन यज्ञ में समिति सदस्यों द्वारा आयुक्तियां डालकर शहर की सुख समृद्धि की कामना की गई। శంఖం చక్రం కృపాలం తీసుకుని సంతం సింగస్కం రాజవరం త్రివక్రం తే సాపూర్తి ధ్యాయ దుర్గా జాఖ్యాం తే తత్పమిత శివనిధాం సిద్ధి కామై సబ్కె కామనా కు సిద్ధ కరే। कल दिन में 11 बजे पंजा नहर पर मूर्ति विसर्जन किया जाएगा और ये बड़ी धूमधाम मनाया जाता है। 9 दिन जो पूजा किया जाता है वो अपने परिवार की, देश की, गांव की, सभी अपने खुशहाली के लिए ये पूजा किया जाता है। विजयदशमी यानी दशहरा पर्व जिले भर में शुक्रवार को मनाया जाएगा, जहां इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जंक्शन में हर वर्ष की भांति दशहरा कलेक्ट्रेट ग्राउंड और टाउन में इस बार नए ग्राउंड बाईपास में दशहरा मनाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति द्वारा दशहरे की तैयारियाँ कर ली गई। दशहरा शुक्रवार को पूरे शहर में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जंक्शन स्थित भट्टा कॉलोनी में पिछले 10 दिनों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। समिति द्वारा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के 3 पुतले बनकर तैयार हैं। समिति के उपाध्यक्ष बताते हैं कि इस बार रावण का पुतला 55 फीट और मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले 45-45 फीट के हैं। शुक्रवार शाम 4 बजे से दशहरा महोत्सव शुरू किया जाएगा। कल दशहरा महोत्सव की तैयारी हमारे यहाँ पर बड़े जोरों शोरों से चल रही है। आप देख रहे हैं 3 पुतले तैयार हैं और कल इन पुतलों का दहन किया जाएगा। रावण का पुतला हमारे कलाकारों ने 55 फुट और मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले 45-45 फुट के बनाए हैं और वहाँ पर लगभग 25,000 से 30,000 के लगभग लोगों की भीड़, जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं उस महोत्सव में और उसको देखते हैं। और भव्य आतिशबाजी का आयोजन हमारी समिति द्वारा किया करते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं तैयारी अपने अंतिम चरण में चल रही है और जल्द और आज रात को हम ये पुतले वहाँ पर ग्राउंड में पहुँचाएंगे और उसके बाद इनको इनके जो इनका लास्ट में जो परफेक्शन वर्क है वो किया जाएगा और उसके बाद इन पुतलों को खड़ा किया जाएगा।
टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष राजू खान ने अपना 23वां जन्मदिन टाउन के वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के साथ मनाया। इस अवसर पर राजू खान ने वृद्धजनों के साथ केक काटकर उन्हें फल वितरित किए और आशीर्वाद दिया। राजू खान ने संकल्प लेते हुए कहा कि मैं अपना प्रत्येक जन्मदिन इन वृद्धजनों के साथ ही मनाऊंगा। इस अवसर पर छात्र संघ राजू खान ने कहा कि दुनिया में वृद्धजनों के आशीर्वाद से बड़ा आशीर्वाद कोई और नहीं। मेरे को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा भाई। मैंने इनका आशीर्वाद लिया, इनके आगे आशीर्वाद से ही मैं आज छात्र संघ अध्यक्ष बना हूँ और इनके आगे आशीर्वाद से ही मैं आगे काम करता रहूँगा और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि इनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहे। रंगमंच पर रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला में रावण अंगद संवाद व लक्ष्मण मूर्छा के दृश्यों का खूबसूरती से मंचन किया गया। रामलीला की शुरुआत में जिला मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आरती की गई। आइए आपको भी दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। पकड़ लो इस ढीठ बांधने को, पकड़ लो रस्सियां बांधने को, लो लोहे की गरम छड़े कर इसका शरीर झुलसाओ। खुफिया बलवान इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ जाओ रामातल में जाओ, बांधर और पालुओं को खा जाओ। अरे दुष्ट, क्यों तेरी मौत सिर पर समा रही है? असुरों के तो गुण गाता है, यह तेरा धोखा है छले। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। तो इसके साथ ही बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।